ल्यूपिन, इन्होंने एक ड्रग लॉन्च किया दीप, उसका नाम है बिना पढ़े मैं बता रहा हूँ ईओट्रोपियम। मैंने दो टुकड़ों में कर दिया, टीओ और ट्रोपियम, बड़ा ईजी हो गया। पहले मैं बहुत देर तक संघर्ष कर रहा था जी, ये मैंने फॉर्मूला बंसल जी को समझाने के लिए कि कैसे मुश्किल ड्रग का नाम आसानी से बोला जा सकता है। थियोट्रोपियम इसका ड्राई पाउडर लॉन्च किया है और अमेरिका में इस प्रोडक्ट की सालाना बिक्री 10,000 करोड़ के आसपास। बड़ा प्रोडक्ट है सर, बड़ा प्रोडक्ट है, 10,000 करोड़ की बिक्री। अब लुपिन को कितना मिलता देखा जाएगा, बट अच्छा लॉन्च हुआ है। चलिए बढ़िया है। बैंक्स पर रखिए नजर, अनिल जी ने कहा भी था आज एक काउंटर मूव आ सकती है बैंक्स में। फिच की तरफ से एक पॉजिटिव व्यू आया है, हालांकि इन्होंने यूएस के बैंक्स को डाउनग्रेड के खतरे में डाला है, बट इंडियन बैंक्स के बारे में ये कह रहे हैं कि पोटेंशियल रिस्क है आगे से, और कैपिटल बफर भी है, पोटेंशियल रिस्क जो भी आएगा उससे बचने के लिए इनफ कैपिटल बफर है, और ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट काफ़ी बेहतर हो चुका है। तो पॉजिटिव व्यू आया है भारतीय बैंक्स पर फिच की तरफ से। रेलवे स्टॉक्स रहेंगे फोकस में, और यहाँ पर खबर आई है कि कैबिनेट ने, मतलब भारत सरकार की कैबिनेट ने 7 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को दे दी है मंजूरी। अब कल बाजार के दौरान इसकी बातें चल रही थी, लेकिन बाजार बंद होने के बाद ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुका है सरकार की तरफ से। इन सारे प्रोजेक्ट्स पर कुल मिलाकर 32,500 करोड़ का बड़ा खर्चा किया जाएगा। सारे प्रोजेक्ट्स केंद्र सरकार फंड करेगी, 9 राज्यों में ये प्रोजेक्ट्स होंगे, और कुल मिलाकर 2340 किलोमीटर के आसपास मौजूदा नेटवर्क बढ़ाया जाएगा। तो बड़े ऑर्डर्स रेलवे के लिए आते दिखे दीप, इसीलिए बार बार हम लगातार कहें रेलवे में वही हो रहा है जो डिफेंस में हो रहा है। करेक्ट, हाँ, और वही चीज़ रेलवे स्टॉक्स आपको दिखा रहे हैं। तो रेलवे की स्टोरी एक साल से, हम डेढ़ साल से यही बात कर रहे हैं, जो चीज़ आपको डिफेंस में, अब रेलवे में 32,000 करोड़ के ऑर्डर, बड़े ऑर्डर से। बिल्कुल सर, और एक और रेलवे स्टॉक जो आपके भी रेडार पर था और एक्टिवली आपने कहा भी था इसके बारे में, बाजार के भी रेडार पर रहा है, वो है IRFC। सुनने में आ रहा है कि सरकार IRFC में ऑफर फॉर सेल के जरिए हिस्सा बेच सकती है। सरकार की करीब 86.4% हिस्सेदारी है, तो बड़ा हिस्सा है जो सरकार को बेचना है। ऑफर फॉर सेल आ सकता है IRFC के लिए। ओके, रामकृष्ण फोर्जिंग, अभी अभी खबर आई है सुबह सुबह, यूरोपियन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर OEM से इन्हें मिला है 145 करोड़ रुपए का ऑर्डर। वोडाफोन आइडिया नंबर्स तो आई गए थे, कल हमने बात भी करी थी, आरपू थोड़ा अनुमान से बेहतर है, बट अदरवाइज नंबर्स को ज्यादा खास नहीं थे। मैनेजमेंट की कॉन कॉल हुई थी और वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री निकल कर आई है। दिसंबर तिमाही तक एक्सटर्नल इक्विटी फंडिंग पूरा करने की उम्मीद है कंपनी को। कंपनी फंड लाने के लिए इक्विटी और अन्य इंस्ट्रूमेंट्स पर फंड जुटाने पर विचार कर रही है। रेलिगेयर एंटरप्राइजेस, डावर के बर्मन परिवार ने यहाँ पर हिस्सा खरीदा है करीबन 7.5%, और पहले इनके पास ऑलरेडी 14% के आसपास था। अब ये हिस्सा खरीदने के बाद पहुँच चुका है 21.5% के आसपास। तो रेलिगेयर में सबसे बड़े शेयर होल्डर की तरफ बढ़ते हुए बर्मन परिवार। JSW एनर्जी, 2 दिन बैक टू बैक GQG ने यहाँ पर हिस्सेदारी खरीदी है प्रमोटर्स की तरफ से। कल की ही ब्लॉक डील में हमने देखा है करीब 1.25% प्रमोटर्स ने बेचा है, और उसके सामने 1% हिस्सा GQG ने खरीदा है। कुछ अन्य फंड्स भी थे, बट GQG की तरफ से 2 दिन में बड़ी खरीदारी हुई है। अदानी पावर, यहाँ पर भी ब्लॉक डील्स होती हुई दिखी, और GQG ही एक बड़े फंड के तौर पर यहाँ पर भी आया है। इन्होंने हिस्सेदारी खरीदी है, करीबन 8% हिस्सेदारी प्रमोटर्स ने बेची है, और लगभग 4% हिस्सा खरीदा है GQG ने। और NTPC आज सेठी साहब की पिक ऑफ द डे में पहली पिक ही थी, ब्रोकरेजेस का भी इस पर भरोसा है। पावर स्टॉक्स वैसे भी अच्छे मोमेंटम में, बर्नस्टीन ये 274 का टारगेट दे रहा है, इस पर रखनी है नज़र। श्रीराम फाइनेंस, इस पर भी रखिए नज़र, आज इस पर बढ़िया रिपोर्ट आई है UBS की तरफ से, 2185 का टारगेट यहाँ पर भी आया। तो कुछ और स्टॉक्स जो आज आपको रेडार पर रखे हैं, ये है आज के टॉप 10 काउंटर्स।